चलिए क्लास एट सब्जेक्ट साइंस टॉपिक क्रॉप प्रोडक्शन, जिसे अपन बोल सकते हैं हिंदी में फसल उत्पादन। क्या बोलते हैं का हिंदी में लिख देता हूं, फसल उत्पादन। अब चैप्टर नंबर थे अपन, पहला पॉइंट अपना एवोल्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि का विकास या इतिहास। इन द बिगिनिंग द वुमेन पॉपुलेशन वाज वेरी स्मॉल, पहले जनसंख्या बहुत कम थी। द एर्ली वुमेन लाइफ्स मेंटर्स एंड फुलफिल्ड देयर नीड्स फॉर फूड बाय गैदरिंग प्लांट फूड लाइक फ्रूट स्टीम एंड रूट ऑफ सम प्लांट। दे आल्सो हंटेड एनिमल फॉर मीट्स, करते बेटा जानवरों के मांस के भरोसे भी जीवित रहते थे पहले के लोग। अवेलेबल इन नेचर वाज सफिशिएंट टू सेटिस्फाई देयर नीड्स, बट अ टाइम पास बाय द सेटल्स डाउन इन प्लेस एंड देयर नंबर्स आल्सो इंक्रीज। इसके बाद आते हैं अपन, ये लिखा है ना बेटा क्रॉप प्लांट, फसल का पौधा। इसके बाद में मैंने ये टेबल बनाई है, सम क्रॉप प्लांट ग्रो इन इंडिया, यानी कि भारत में पाए जाने वाले जो भी फसल है उसके बारे में जानते हैं अपन। पहली अपनी क्या का, पहले तो क्रॉप प्रोडक्शन और एग्जाम्पल, ये अपनी भारत में पाए जाने वाले जो भी कितने प्रकार की फसल होती हैं, पौधे होते हैं, उनके बारे में जानते हैं। पहला क्रॉप प्रोडक्शन, फसल का पौधा। पहला है अपना सीरियल्स, यानी कि इसको बोलते हैं बेटा हिंदी में क्या बोलते हैं, अनाज। सभी जानते हो अनाज किसे कहते हैं, अनाज। पहला क्या है, राइस व्हीट मैज बाजरी और रागी, यानी कि राइस यानी क्या होता है बेटा चावल, वीट यानी गेहूं, ये है मक्का, वेली जो या ज्वार, ये इसका नाम रागी है इंग्लिश में, हिंदी में जो। अब इसकी बात आते हैं अपन अनाज में क्या क्या आता है, पहला चावल गेहूं मक्का और जो, सभी जानते हो गेहूं चावल जो क्या है अनाज है जिसे अपन खाते हैं ना। इसके बाद आता है सेकंड, ये अपना दलहनी फसल बोलते हैं इनको, ये दालों दालों में आती है पूरी फसल, क्या क्या है, चना मटर फली, चना ग्राम पीस और बीन्स, ये फली रहती है। इसके बाद अपन तीसरा ऑयल, इसे कहते हैं अपन तिलहनी फसल, तिलहनी जिससे ऑयल निकलता है। देखा आप खेत में सरसों को निकलते हैं ना, उससे ऑयल निकलता है, सरसों एंड मस्टर्ड ग्राउंड नट सनफ्लावर, क्या है मस्टर्ड यानी सरसों, ग्राउंड नट यानी मूंगफली और सनफ्लावर यानी सूरजमुखी। सूरज मुखी सनफ्लावर यानी सूरजमुखी, ये क्या होता है बेटा तिलहनी फसल। इसके बाद आते हैं अपन फोर्थ नंबर पर रूट क्रॉप, इसको बोलते हैं जो अपने वो जड़ से प्राप्त होती है फसल, जो अपनी क्या होती है जड़ द्वारा प्राप्त होती है वो चीज क्या होती है चुकंदर, इसको क्या बोलते हैं स्वीट पोटैटो, सॉरी चुकंदर नहीं शकरकंद, सॉरी शकरकंद, शकरकंद होता है ये, क्या होता है स्वीट पोटैटो शकरकंद। इसके बाद आते हैं फिफ्थ नंबर पर, ये क्या है अपना ट्यूबर क्रॉप,
Yoda kand. Kand. Potato, cassava, dahlia. Potato yani sab jante ho beta. Kya hota hai? Aloo. ये कसावे यानी कसावे होता है और ये एक फूलों का बड़ा पौधा जैसा होता है। ये मैक्सिको सिटी में पाया जाता है। इसके बाद यहाँ पर सिक्स सुगर क्रॉप ये होता है जिससे चीनी वाली जो फसल निकलती है ना उसके नाम से वो हो रहा है सुगर चीनी जो फसल होती है सुगर सुगर कैन बीट रूट इसको क्या बोलते हैं बेटा गन्ना तभी ना खाया होगा गन्ना तो क्या निकालते हैं सुगर यानी चीनी और चुकंदर बोल बीट रूट क्या होता है चुकंदर। इसके बाद आते हैं अपन सेवन नंबर पर ये होता है रोपण। देखो बेटा आपने कुछ फसल जो मतलब लगाते हैं अपन रोपण करते हैं कॉफी टी रबर कोकोनट्स कॉफी तो कॉफी होती है उसको इसके बाद इसको क्या बोलते हैं अपन चाय रबर भी रबर ही होती है कोकोनट यानी क्या होता है नारियल यो अपना नारियल कोकोनट। इसके बाद आते हैं अपन एग फाइबर क्रॉप्स ये क्या है फाइबर टॉप जूट और कॉटन इसको हिंदी में जूट भी बोलते हैं बेटा जूट कॉटन यानी होता है बेटा कपास क्या होता है कपास होता है। आप जानते एक बात बता देता हूं मैं क्रॉप प्लांट्स ये आपके एग्जांपल उदाहरण है शायद पहले क्या बताया था मैंने सीरियल्स यानी अनाज जो अपने अनाज यानी खाने में यूज होते हैं चावल गेहूं मक्का जो राइस वीट मैज बर्ली रागी। इसके बाद दलहनी फसल कौन कौन सी होती है पल्सेस यानी दलहनी फसल पहला आपके ग्राम चना पीस यानी मटर बीन्स यानी फली। इसके बाद ऑयल सीड दलहनी फसल जिससे ऑयल निकलता है कौन कौन से एग्जाम्पल है उसमें मस्टर्ड ग्राउंडनट और सनफ्लावर सरसों मूंगफली और सूरजमुखी। इसके बाद आते हैं अपन फोर्थ नंबर पर रूट क्रॉप जो जड़ द्वारा प्राप्त होती है स्वीट पोटैटो यानी शकरकंद सभी जानते हो शकरकंद। इसके बाद आते हैं अपन फिफ्थ नंबर पर ट्यूबर क्रॉप जो कंद द्वारा प्राप्त होती है पोटैटो कसावा और डहलिया पोटैटो यानी आलू कसावा को कसावा बोलते हैं। इसके बाद डहलिया फूलों का एक बड़ा पौधा होता है। इसके बाद आते हैं अपन सिक्स नंबर पर सुगर क्रॉप चीनी जिससे अपने को चीनी प्राप्त हो गन्ना या चुकंदर। इसके बाद आते हैं अपन सेवन प्लांटेशन क्रॉप रोपण जिसे अपन स्वयं लगाते हैं कॉफी कॉफी को कॉफी बोलते हैं टी चाय रबर रबर को भी रबर बोलते हैं हिंदी में कोकोनट यानी नारियल। इसके बाद लास्ट जो है अपना फाइबर क्रॉप इसको क्या बोलते हैं बेटा हिंदी में फाइबर क्रॉप रेशेदार जूट और कपास इससे क्या रहता है रेशेदार रहता है ये अपने को कपड़े वगैरह बनाने में काम में आता है ये। इसके बाद आते हैं अपन इस साइड आ जाते हैं कौन कौन सी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस ये क्या था क्रॉप्स आर कैटेगरीज इनटू द थ्री टाइप कितने पार्ट्स में डिवाइड है किसी तीन प्रकार में पहली है खरीफ क्रॉप्स दूसरी है रबी क्रॉप्स और तीसरी है जायद क्रॉप्स। कौन कौन से टाइप होते हैं बता थ्री टाइप होते हैं पहला अपना खरीफ क्रॉप रबी क्रॉप्स और जायद क्रॉप्स। इसको समझ लेते हैं अपन
This crops are sown in the month of June or July. क्या करते हैं बता जून और जुलाई में इसको लगाते हैं एंड हार्वेस्टेड इन द सितंबर और अक्टूबर एवरी ईयर, यानी कि ये कब लगता है जून और जुलाई में जो रहती है खरीफ की फसल लगाई जाती है और सितंबर और अक्टूबर महीने में काटी जाती है. द खरीफ क्रॉप आर डिपेंडेंट ऑन द साउथ वेस्टर्न मानसून पैडी मैथ सोयाबीन आर सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ खरीफ क्रॉप. क्या रहता है बेटा ये इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कौन सा सोयाबीन खरीफ फसल का. इसके बाद आते हैं अपन सेकेंड नंबर पर रबी क्रॉप. दिस क्रॉप आर सोन इन द मंथ ऑफ अक्टूबर और नवंबर. अक्टूबर और नवंबर में इसको लगाया जाता है एंड बोया जाता है एंड हार्वेस्टेड इन मार्च और अप्रैल एवरी ईयर. कब काटते बेटा इसको मार्च और अप्रैल के मंथ में इसको हार्वेस्ट काटा जाता है. दिस क्रॉप आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द मानसून बीट वैली ऑफ पी एंड लेग्यूमेस आर सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ रबी क्रॉप. यानी कि अभी मैंने बताया था बेटा गेहूं क्या होता बीट गेहूं एग्जाम्पल में इसका किसके रबी की फसल में. इसके बाद अपना है जो भी इसी में आता है मटर भी इसी में आता है मटर ये किसकी रबी की फसल में. इसके बाद आते हैं लास्ट टाइप अपना जायद क्रॉप. दिस क्रॉप आर सो इन द मंथ ऑफ मार्च और अप्रैल. ये कब लगाई जाती है बेटा मार्च और अप्रैल के महीने में इसको लगाया जाता है एंड हार्वेस्टेड फ्रॉम हार्वेस्टेड बिफोर द रेनी सीजन. कब काटा जाता है बेटा इसको. मोस्ट ऑफ सच प्लांट्स आर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट. ज्यादातर इसमें क्या लगता है बेटा वेजिटेबल सब्जियां और फल लाइक क्यूकरबिट्स गार्ड बिटर करी वगैरह जो रहता है ना वो यही है जायद की फसल बोलते हैं इसको. मेलन्स एंड मूंग्स यही अपनी क्लास समाप्त होती है यार. थैंक यू. इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको इससे आगे बताएंगे.